तुम हिम्मत कैसे मुझसे ये कहने की अपना बच्चा गिरा दूं? बोलो। तुम मुझे कहते रहे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करोगे, और अब कहते हो बच्चे को मार दो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। बच्चे को, हमारे बच्चे को, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बाप को चुनाव लड़ने जा रहा है। गेट आउट। सॉरी। उन्होंने ठीक ही कहा था, अजय का पुनर्जन्म होगा जल्दी ही, हमारे करीब। तुम सुन रहे हो? यहाँ हमारे अजय के अपने कमरे में इस लड़की के कोख में एक बच्चा पल रहा है। वो और कौन हो सकता है, हमारा अजय ही तो है। वो वापस आ रहा है, उसे दोबारा मत मरने दो। हमें उस बच्चे को बचाना है, हमें अजय को बचाना है। तुम और मैं अजय के पैदा होने से पहले नहीं मर सकते। तुम कुछ समझ रहे हो? अजय आ रहा है, अजय आ रहा है। तुम अपने आप खाना परोस लो, मैं उस बेचारी लड़की को खिला के आती हूँ। सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया उसने। सुजाता, कल रात के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। जो भी हो, मुझे यहां से जाने के लिए मत कहिए, कम से कम अभी नहीं। कोई दूसरा इंतजाम होते ही चली जाऊंगी। पर तुम्हें जाने के लिए कौन कह रहा है? और वैसे भी तुमने जो कुछ भी किया कल रात, हर औरत वही करती। चलो, अब रोना बंद करो और खाना खा लो। चलो। नहीं, मुझे भूख नहीं। अपना नहीं, बच्चे का तो ख्याल करो, उसे क्यों भूखा रखना चाहती हो? ज्यादा तीखा तो नहीं है ना? अच्छा है। भिंडी नहीं खाओगी? पसंद नहीं। अच्छे भी भिंडी छोड़ देता था थाली में, मगर आलू दोनों वक्त दे दो। बहुत पसंद थे आलू जी। नहीं, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। तुम खा लो सब कुछ, मैं पानी लाती हूं तुम्हारे लिए। क्या बकवास है ये? तुम्हें याद नहीं, अजय को भी भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल नहीं खाता था। तुम्हें उस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए। सुबह से रो रही है, इतना रोना ठीक नहीं है उसके लिए, हमारे अजय के। सुजाता, क्या तुम वाकई इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो? क्या बेतुका सवाल है ये? तुम चुप रहो। सुजाता, सच सच बोलो। हाँ, मगर मैं कैसे? उसकी चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो।
हम दोनों जाएंगे विलास के पिता के पास। मुझे पूरा विश्वास है कि वो समझ जाएंगे सब कुछ। मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं, आखिर उनका भी तो पोता है वो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम अभी जाते हैं विलास के पिता के पास। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए। कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। चित्रेश साहब, मेरा नाम बीवी प्रधान है। हाँ हाँ। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। अच्छा। ये मेरी पेइंग गेस्ट है सुजाता। बात यह है चित्र साहब कि आपका बेटा विलास और सुजाता एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। विलास, विलास, जी बाबा, तुम जानते हो इसे? जी। कौन है? सुजाता। तुम्हारी क्या लगती है? जी वो ये कहती हैं कि इसके पेट में जो बच्चा है तुम्हारा है। क्या सच है विलास? विलास, विलास, ए छोकरे, चुप, हलवे। चित्रे साहब, विलास ने शायद घबराहट में ना कर दी है। तो मेरे को शिकायत आएगा? मैं जानता हूं वो झूठ बोल रहा है। तो क्या, मेरा बेटा है, ऐसी 50 औरतों के साथ सोएगा? सबके बच्चे मैं संभालू क्या? इस किस्म की औरत तो साथ सोने के लिए है। चित्रे साहब, आप अपनी होने वाली बहू के लिए ये? ए हेडमास्टर, नाटक मत कर और सुन, तुम्हारे जैसों के लिए सरकार ने हर गली नुक्कड़ पर पेट गिराने के अस्पताल खोले। ले जा, गिरा इसको। सुनो हेडमास्टर, अब ये तुम्हारे यहां और नहीं रहेगी, समझे? चलो 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 जी, क्या देख रहे? चलो चलो, दोबारा यहां नजर आई तो टांग तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जवान ख्याल रखना। चल। कहां जा रही हो? कहां जा रही हो? सुजाता, सुजाता, ये मंगलसूत्र बेचने, मुझे बच्चा गिराने के लिए पैसे चाहिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? ये बच्चे की हत्या नहीं कर सकती। क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? क्यों ये बोझ लिए लिए मरूं? किसी को इस बच्चे की जरूरत नहीं है, ना इसके बाप को, ना इसके दादा को, किसी को नहीं। ये सच नहीं है, मुझे चाहिए ये बच्चा। भगवान की भी यही इच्छा है। ये दुनिया भगवान नहीं, इंसान चलाते हैं। इनसे कहीं ना मुझे जाने दे। आप जानते हैं ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता। चल तू अंदर चल। अंकल, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता।